अपनी मनोकामनाओं को यदि पूर्ण करना है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो एक गुप्त उपाय है। वैसे ऐसे नहीं बताया जाता, लेकिन अलग अलग किसको बताएंगे महाराज, इसलिए बता दे रहे हैं। तो एक गुप्त उपाय है कि आक का जो पत्ता होता है, 108 पत्ते लेकर के उसमें राम राम लिख दीजिएगा। हर पत्ते में राम राम लिख करके उसकी माला बना लें, और हर शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान मंदिर में जा करके उस माला को चढ़ा दीजिए, और 7 परिक्रमा करनी है, उल्टी करनी है, सीधी नहीं करनी है, उल्टी करनी है महाराज। आप इस प्रकार से करते हैं तो हनुमान जी के सामने आप जा करके इस माला को समर्पित करिए, 7 परिक्रमा उल्टी करिए, और उसके बाद अपने मन की इच्छा को भगवान हनुमान के सामने रखिए। कहते हैं कि हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो समस्त सिद्धियों के प्रदाता हैं हनुमत लला, और कलयुग में भी साक्षात देव हैं। इसलिए आप दूसरे देव को मनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, पर हनुमान को मनाओगे तो आपकी मनोकामना, आपके कार्य जल्दी बन जाएंगे। इसलिए हनुमान के मंदिर में जाइए, आग के 108 पत्ते लीजिएगा, उसमें राम राम लिख करके माला बनानी है, और हर शनिवार हनुमान जी को चढ़ाइएगा, विश्वास बना करके महाराज के हनुमान मेरा हर कार्य सिद्ध करेंगे। सिर्फ हनुमान जी से इतना कह दीजिए, अपने मन की इच्छा कहिए, और 7 परिक्रमा उल्टी करिए, और पुनः हनुमान के दर्शन करके निर्विघ्न रूप से आपके कार्य बन जाएंगे, आपकी सारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए महाराज सिर्फ किसी प्रकार कहीं भी भटकोगे, उपाय एक ही है, भगवान की शरणागति। तो ये भागवत की कथा भी वही है महाराज, कलिमल को हर के और सदगति प्रदान करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली है ये भागवत की कथा। कितनी बार पान करें, बोले अनंत जन्मों तक करो, जब जब जन्म मिले, जिस जिस योनि में जाओ उसमें इसको पान करो, पान करते ही रहो, पान करते करते इस जीवन को व्यतीत कर दो महाराज।